सांसद लोकसभा गढ़वाल एवं अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गत बैठक में लिए गए निर्णय एवं निर्देशों के परिपालन में विभागों द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। सांसद ने जिन विभागों के कार्य शेष रह गए हैं उन्हें निर्देशित किया कि गुणवत्ता के साथ जल्द कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते हुए प्राथमिकता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान पीएमजीएसवाई की बुवाखाल निसनी क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के डामरीकरण शिकायत पर संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों को गंभीरता के साथ करें तथा पाइपलाइनों को अंडरग्राउंड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि आगामी बैठक में उन्हीं प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाए जिन्हें मनोनीत किया गया है। मां शून्य सांसद ने आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में हो विकास कार्यों को बेहतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी तहसील दिवस, बीडीसी बैठक सहित अन्य बैठकों में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि किसी भी अधिकारी द्वारा उक्तों बैठकों में प्रतिभाग नहीं किया जाता तो उनका एक दिन का वेतन रोकना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई के साथ ही वन विभाग व राजस्व विभाग को भी निर्देशित किया कि संयुक्त रूप से मोटर मार्गों का निरीक्षण करें, जिससे राजस्व भूमि, वन भूमि जैसी समस्या आने पर उसका समाधान हो सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि बरसात से पूर्व मार्गों का कार्य पूर्ण करें, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बैंक तथा जिन विभागों ऋण संबंधित योजनाएं हैं उन्हें कहा कि इन बातों का ध्यान रखें कि जो व्यक्ति संपन्न है उन्हें बार बार लाभ न दे तथा गरीब व वांछितों को ऋण आधारित योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए धनराशि की किसी भी तरह से कमी नहीं है, इसलिए विभागीय अधिकारी समय से बेहतर डीपीआर प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी तथा कार्यालयाध्यक्ष 15 दिन की अवधि में अनिवार्य रूप फील्ड निरीक्षण करें। कहा कि केवल कागजी रिपोर्ट पर निर्भर न रहे बल्कि वस्तु स्थिति के अनुसार कार्य करें। इस दौरान पीडी संजीव कुमार रॉय ने अवगत कराया कि एनआरएलएम के तहत बड़े पैमाने पर महिला समूहों में लाभान्वित किया गया। कहा कि कार्यालय में स्टाफ की कमी नहीं होती तो और बढ़ावा दिया जाता। बेहतर कार्य करने पर मां शून्य सांसद द्वारा प्रशंसा की गई। कहा कि ऐसे कार्यों को अत्यधिक बढ़ावा दें। कार्यक्रम से पूर्व मां शून्य सांसद द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए पहाड़ी उत्पादों का निरीक्षण भी किया। आज की जो बैठक थी दिशा की, उसमें सभी विभागों की रिपोर्ट और जो पिछला वर्क था उसकी समीक्षा और आगे का जो कार्य होना है उसके बारे में बातचीत, तो सभी नोडल अधिकारियों से बातचीत हुई है और यही हुआ कि हर काम में गुणवत्ता हो, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों दिखे, समयबद्धता ये रहे और आगे जो बैठक होगी उसमें सारी अपनी प्रगति को लेकर आएंगे। कुछ आगे के लिए तय हुआ है, जो काम जनप्रतिनिधि लोग प्रमुखों ने, नगर पालिका के चेयरमैन ने, पंचायत जिला पंचायत की ओर से और हमारे जो अन्य द्वारा आए हैं, तो उन सभी को अधिकारियों को नोट करने के लिए कहा गया और उसको आगे क्लियर करें। और इसमें इतना जरूर कहूँगा कि बहुत सारे कामों में जिला बल भी आया है और इसके लिए मैं यहाँ के जो कलेक्टर हैं, डीएम, सीडीओ, उनकी जो टीम है उनको मैं बधाई भी देता हूँ कि वो दिनों दिन निरंतर अच्छा वर्क, अच्छा काम कर रहे हैं। सांसद जी, देखिए उसके लिए तय हुआ कि रोस्टर और वो जैसे मुझे डीएम ने बताया उन्होंने बनाया और आगे फिर उसको लागू करेंगे, बनाएंगे और उसमें रोस्टर के सभी अधिकारी उन बीटीसी मीटिंगों में रहे और जो नहीं रहता है तो उसका वेतन काट दिया जाएगा, ये तय है। डीएम के साथ बैठ के मैंने नोडल अधिकारियों को कहा कि वो प्रवास करें और ऑफिस से निकलें और वहाँ जाकर के देखें, समीक्षा करें और जो कागजी रिपोर्ट है केवल उस पर यकीन न करें,
बल्कि वहाँ जा कर के देखें कि वहाँ अधिकारी कर्मचारी ने पूरा वो काम किया कि नहीं किया है, या कागजों में दिया तो कागजी नहीं चलेगा, धरातल पे काम दिखना चाहिए, ये हम चाहेंगे, ये मैंने निर्देशित किया है।